दोस्तों आपको जानकर बहुत ही खुशी होगी अलाइंस ऑफ इंडिया ने एक न्यू प्लान को लॉन्च किया है जिसका नाम है माइक्रो बचत टेबल नंबर आठ सौ इक्यावन दोस्तों ये नॉन लिंक्ड है और एक प्योर एंडोमेंट प्लान इसको हम कह सकते हैं प्रोडक्शंस के साथ इसमें सेविंग का भी एक जरिया है तो दोस्तों मैं आज आपको ये पूरा बहुत ही ब्रीफली और डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप इस प्लान को अच्छी तरह से समझें सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटीज कंडीशन एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस की तो दिस प्लान इज़ ऑनली अवेलेबल फॉर स्टैंडर्ड हेल्थी लाइफ्स विदाउट अंडर गोइंग एनी मेडिकल एग्जामिनेशन बिना मेडिकल एग्जामिनेशन के ये पॉलिसी आप ले सकते हैं मिनिमम समशोर की बात करें तो मिनिमम प्लान के अंदर जो है वो पचास हज़ार रुपया रखा गया है और मैक्सिम सम जो है टू लाख रुपीज़ का है द बेसिक सम सेल बी अवेलेबल इन मल्टीपल ऑन फाइव थाउजेंड्स मिनिमम एज एंट्री की बात करें तो अठारह साल कंप्लीट है आपका एज तो आप इस प्लान को परचेज कर कर सकते हैं मैक्सिमम एज एंट्री की बात करें तो पचपन साल है पॉलिसी टर्म की बात करें तो 10 साल से लेकर 15 साल तक है मतलब टर्म की बात करें तो 10 साल से लेकर 15 साल तक का ही टर्म इसके अंदर आप ले सकते हैं प्रीमियम पेइंग टर्म सेम एज ए पॉलिसी टर्म्स इसमें कोई लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म नहीं है इसमें जितने का आप टर्म सेलेक्ट करेंगे उतना ही आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा और मैक्सिमम मिच्योरिटी जो रखा गया है वो सत्तर साल है अब दोस्तों आते हैं द टोटल बेसिक सम समशोड अंडर ऑल पॉलिसी इशू अंडर दिस प्लान फॉर इंडिविजुअल लाइफ सेल नॉट बी एग्जिस्ट दोस्तों अगर ये प्लान को आप लेना चाहते हैं तो एक पॉलिसी होल्डर दो लाख का दो लाख से ज़्यादा का सम समशोड नहीं ले सकता है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रेक्स अंडर दिस प्लान डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द रिक्स जैसे ही आप दोस्तों पॉलिसी लेते हैं उसी दिन से आपका जो रिक्स है, वो स्टार्ट हो जाता है पेमेंट ऑफ प्रीमियम प्रीमियम कैन बी पैड रेगुलरली एट ईयरली हाफ ईयरली क्वार्टरली मंथली इंटरवल ओवर द टर्म ऑफ पॉलिसी दोस्तों इसमें चार आपको मोड मिलेंगे मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली और ईयरली मोड ग्रेस पीरियड की बात करें अंडर अंडर दिस प्लान ए ग्रेस पीरियड ऑफ वन मंथ बट नॉट लेस देन थर्टी डेज विल बी अलाउड फॉर द पेमेंट ऑफ ऑल मोड दोस्तों ग्रेस पीरियड के अंदर आपको वन मंथ का आपको ग्रेस पीरियड मिलेगा ठीक है अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या है फोर्थ पॉइंट है सैम्पल प्रीमियम रेट अब इसकी बात करें तो सैम्पल प्रीमियम रेट क्या है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस करके बता दूँ फ्लोइंग आर द सम ऑफ द एग्जाम्पल टेबुलर एनुअल प्रीमियम रेट एक्सक्लूसिव ऑफ एप्लीकेबल टैक्सेस इफ एनी पर रुपीज़ वन थाउजेंड बेसिक समोड एज अगर लेती हैं ठीक है एज uh, लेते हैं अठारह साल इसमें जो है फुलिंग सैम्पल्स एंड टेबुलर एनुअल प्रीमियम रेट टर्म है दस साल ठीक है बारह साल टर्म नहीं दिया हुआ है तो इसकी कुछ मेरे हिसाब से महत्व नहीं है और मोड ऑफ़ रिवेट की बात करें तो मोड ऑफ़ रिवेट में क्या आता है ईयरली मोड पे आपको टू परसेंट ऑफ़ टेबुलर प्रीमियम का आपको रिवेट मिलता है हाफ ईयरली में एक परसेंट का क्वार्टरली मोड पर कुछ नहीं मिलेगा आपको इन केस ऑफ मंथली मोड एडिशनल थ्री परसेंट टेबुलर प्रीमियम सेलरी चार्ज ओके एंड नाउ आई विल कम हाई बेसिक समशोड रिवेट की बात करें तो अगर आपका पाँच पचास हज़ार से लेकर एक लाख पैंतालीस हज़ार के बीच में समोड sure लेते हैं तो इस पर आपको कोई रिवेट नहीं मिलेगा एक लाख पचास हज़ार से लेकर एक लाख पंचानवे हज़ार का समोड sure लेते हैं तो इस पर वन पॉइंट फाइव परसेंट बेसिक समोड रिवेट मिलेगा दो लाख का समशोड़ sure है तो उस पर टू परसेंट का बेसिक बेसिक रिवेट मिल जाता है अब बात करते हैं बेनिफिट्स की मेच्योरिटी बेनिफिट की बात करें ऑन द लाइफ अशोर्ड सर्वाइवल सर्वाइविंग टू द एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म्स प्रोवाइडेड ऑल ड्यू प्रीमियम हैव बीन सम हैपिन पैट समिटी अलॉन्ग विधायल दोस्तों मिच्योरिटी पर दो चीजें मिलने वाली मैं बता दूँ ठीक है प्लस रॉयल्टी एडिशन दो चीज़ें आपको इंक्लूड होके दिया जाएगा द सम विदेशोर ऑन मेच्योरिटी इज इक्वल टू द बेसिक सम डेथ बेनिफिट की बात करें तो डेथ बेनिफिट में ऑन देथ ऑफ द लाइफ अश्योरेंस डूरिंग द पॉलिसी टर्म्स प्रोवाइडेड ऑल ड्यू प्रीमियम हैड ऑन देथ डूरिंग द फर्स्ट फाइव ईयर्स सम एश्योर ऑन डथ सेल्फ बी पेबल दोस्तों अगर पाँच साल से पहले डेथ होती है तो समश्योर जो भी होगा वो ही दिया जाएगा ऑन देथ आफ्टर द फाइव ईयर्स अब मतलब पाँच साल के बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है उस सिचुएशन में पॉलिसी होल्डर को जो अमाउंट मिलने वाला है वो मैं बता दूँ आपको उसमें उनको मिलेगा सम इश्योर ऑन डैथ ठीक है प्लस रॉयल्टी एडिशन दो चीजें इंक्लूड होके मिलता है वे सम ऑन इज डिफाइंड एज ए हाई तो दोस्तों टेन टाइम ऑफ एनुअलाइजिंग प्रीमियम जो भी एनुअल प्रीमियम रहेगा उसका टेन टाइम्स नॉमिनी को दिया जाएगा सम समोड ऑन मिच्योरिटी एज डिफाइंड एज सेवन ई अब या अमाउंट शोड टू बी पैड ऑन डेथ दैथ बेनिफिट शैल नॉट बी लेस देन वन हंड्रेड फाइव परसेंट शेल द प्रीमियम पैड एज ऑन डेथ ऑफ डेट ऑफ देथ प्रीमियम रेफोर्ड सेल्फ नॉट इंक्लूड एनी एनी टैक्सीज एक्स्ट्रा अमाउंट चार्जेबल अंडर दिस पॉलिसी ड्यू टू दंडर राइटिंग डिसीजन एंड रीमियम इफ़ एनी रोयल्टीडिशंस की बात करें तो रॉयल्टीडिशंस uh, आपको एक्सप्लेन करके मैं बताता हूँ रोयल्टी एडिशंस के बारे में डिपेंड अपॉन द कॉरपोरे एक्सपीरियंस द पॉलिस Under this plan, shall be eligible for real additions, if any, as such as read and on such terms as may be declared by the corporations. In case of death of a yeah, majority claim in respect of enforced policy, royalty additions shall be payable prov uh, provided premium have been paid for at least five full years and after completions of five uh, policy years. In case of death of that yeah maturity claim in respect of pair of policies, yeah, in case of surrender, royal traditions shall be payable and provided uh, five policy years are completed and with at least five full years premium have been paid and maturity paid up, sum assured is rupees 15,000 yeah, or more. in such cases, royal traditions shall be considerations for completing uh, policy years for which policy was in force. एंड ऑप्शन बेनिफिट की बात ऑप्शनल बेनिफिट्स की बात तो हम करेंगे नहीं डिस्कस करेंगे नहीं वीडियो लंबा हो जाए लोन की बात करें तो जो मोटा मोटा उसको समझने की कोशिश करें लोन फैसिलिटीज़ की बात करें अगर आपने तीन साल का तीन साल का फुल पेमेंट आपने एल को किया है प्रीमियम पे किया है तो आप लोन के लिए अप्लीकेबल हो जाते हैं तो मैक्सिमम लोन एज ए परसेंटेज ऑफ सर वैल्यू सेल बी अंडर इन फोर्स पॉलिसी सेवेंटी परसेंट एंड अप पॉलिसीज पे सिक्सटी परसेंट तक द इंटरेस्ट रेट टू बी चार्ज फॉर द पॉलिसी लोन एज अपल फॉर इंटायर टर्म ऑफ लोन सेल बी डिटरमाइंड एट द प्रडिक्ट एनी लोन आउटस्टैंडिंग अलॉन्ग विद इंटरेस्ट सेल बी रिकवर्ड फ्रॉम द क्लेम प्रोसेस एट द टाइम ऑफ एग्जिस्टिंग्स अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पैड ऑफ वैल्यू की बात करें तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वीडियो तो थोड़ा लंबा हो रहा है मुझे लग रहा है वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं इसको जल्दी से निपटाने की कोशिश करूंगा पैड ऑफ वैल्यू की बात करें तो इफ़ लेस देन वन इयर्स प्रीमियम बीन या एनी प्रीमियम बी नॉट ऑल द बेनिफिट अंडर दिस पॉलिसी शैल बी सीज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ग्रेस पीरियड एंड नथिंग शैल बी पेएबल दोस्तों अगर आपने एक साल प्रीमियम आपने पे किया है तो आपको इसमें कुछ नहीं मिलने वाला इफ़ एट लीस्ट वन फुल ईयर प्रीमियम हैव बीन पैड

एज ए स्पेसिफिको एंड दिस ऑटो कवर पीरियड स्टार्ट फ्राम द डेट ऑफ फर्स्ट अनपेड प्रीमियम एंड इनक्लूड द ग्रेस पीरियड इसको मैं ज़्यादा ब्रीफली नहीं लूँगा आप कौन सा पॉइंट जो है उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूँ सिलेंडर वैल्यू की बात करें तो अपना पॉलिसी को सिलेंडर करवा सकते हैं तीन साल के बाद आप पॉलिसी को सिलेंडर करवा सकते हैं द पॉलिसी कैन बी सिलेंडर एट द टाइम प्रो वाइडिंग प्रीमियम है ओके okay, ओके okay. इसमें आप एक स्पेशल दिया है कि आप एक साल के बाद पॉलिसी को सरेंडर करवा सकते हैं द पॉलिसी कैन बी सरेंडर एट एनी टाइम प्रोवाइडिंग प्रीमियम हैव है पेड अप पॉलिसीज एंड द कॉर्पोरेशन सेल पे द सरेंडर वैल्यू विच इज ऑफ ग्रांड सरेंडर वैल्यू या स्पेशल सरेंडर वैल्यू दिस इज स्पेशल सिलेंडर वैल्यू शिटाम बाई देशन फ्राम द टाइम टू टाइम सब्जेक्ट अप्रूवल आई आर डी ए दोस्तों एक साल के बाद अपनी पॉलिसी को सिलेंडर करवा सकते हैं बट इसमें आपको लॉस हो सकता है टैक्स की बात करें तो आप टैक्स इफ़ एनी इम्पोज और सच इंश्योरेंस प्लान बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या एनी अदर कंस्टिट्यूशन टैक्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल्स भी एज़ पर द टैक्स लो एंड रेट ऑफ टैक्स एज एप्लीकेबल फ्राम द टाइम टू टाइम फ्री लुकिंग पीरियड पंद्रह दिन का आपको मिलता है फ्री लुक पीरियड अब पंद्रह दिन के अंदर आप अपने पॉलिसी को कैंसिल करवा सकते हैं इसको तो छोड़ो अब कौन सा है बेनिफिट्स की बात करें फॉर एग्जांपल लेते हैं हम अगर एज किसी का हमने लिया है पैंतीस साल ठीक है टर्म लिया है पंद्रह साल एनुअल प्रीमियम की बात करें तो उन्होंने मोड लिया है ईयरली बेसिक वन लाख रुपीस का है जो प्रीमियम बनेगा एनुअल जो प्रीमियम बनेगा इनका वो बनेगा इक्यावन सौ सोलह रुपया ठीक है अब इसमें बात करें तो इसमें जो रहेगा उनका बेनिफिट रहेगा टोटल प्रीमियम पैड टिल एंड ऑफ द ईयर यानी टोटल आपका पंद्रह साल में जो प्रीमियम पैड होता है वो छिहत्तर हज़ार सात सौ चालीस रुपये है ग्रांटेड जो रहेगा एक लाख रुपये इसका रहेगा सैनरियो टू की बात करें तो इसमें जो वेरिएबल है वो है ए ग्यारह हज़ार पाँच सौ और सिनेरियो टू की बात करें तो इसमें जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है टोटल सिनेरियो टू में देखें तो एक लाख ग्यारह हज़ार पाँच सौ रुपये टोटल आपको मिलता है सिलेंडर वैल्यू की बात करें तो सिलेंडर करवा कर आप भी ले सकते हैं और दोस्तों आई थिंक अब इसमें कुछ खास नहीं रह गया है अब इसको हम खत्म करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा बन चुका है दोस्तों आने वाले समय में एक तो वीडियो और आपको बनाने की कोशिश करूँगा फॉर एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश करूँगा तो दोस्तों अगर कुछ आपको लगे कंफ्यूजन तो हमें कमेंट करें ताकि मैं उसका सोल्यूशन आपको दे सकूँ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ब